और इस बीच संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले सभी आरोपियों से पुलिस हिरासत में पूछताछ अब और तेज हो गई है। बड़ी खबर यह है कि तीन जगहों पर दिल्ली पुलिस इस मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है। हरियाणा के जींद में भी दिल्ली स्पेशल टीम एक आरोपी नीलम के घर पर पहुंची और वहां पर मौजूद लोगों से पूछताछ की है, जबकि एक दूसरी टीम लखनऊ में आरोपी सागर शर्मा के घर पर पहुंची है और उसके परिवार वालों से पूछताछ की गई है। आपको ये भी बताते चलें कि दिल्ली पुलिस की एक और टीम महाराष्ट्र के लातूर पहुंची, जहां पुलिस के अधिकारियों ने आरोपी अमोल शिंदे के घर पर उसके परिवार वालों से पूछताछ की है। इस दौरान अमोल शिंदे के घर से कुछ सामान भी जब्त किया गया और पुलिस उस सामान को अपने साथ में ले गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जांच पड़ताल इस पूरे मामले को लेकर अब आगे बढ़ती हुई तेज होती हुई दिखाई दे रही है। तो संसद की सुरक्षा में सेंध का यह मामला लगातार एक के बाद एक खंगाला जा रहा है कि आखिर इसके किरदार कितने हैं और एक के बाद एक गिरफ्तारी भी हो रही है। अब आपको ये बता दें कि इससे पहले भी जहां जहां के भी जो आरोपी रहने वाले हैं वहां पर पुलिस की टीम पहुंच रही है। अब अलग अलग छह तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए, पुलिस की जांच इसमें बहुत तेज हो चुकी है। नीलम के घर पुलिस पहुंची है, सागर के घर पर पहुंची है, लखनऊ में भी पूछताछ की गई है, लातूर भी जो महाराष्ट्र में है वहां पर है, और ललित झा जहां पर रुका था यानी कि राजस्थान का नागौर जिला, वहां पर भी पुलिस की टीम पहुंची है। और इस वक्त ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि कोई भी किरदार ऐसा ना हो जो पीछे छूट जाए जिस तक पुलिस यहां पर पहुंच ना पाए। और आपको यह भी बता दें कि संसद की सुरक्षा भेदने वालों पर शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। इन सब के बीच में जांच पड़ताल बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। जो पुलिस की टीम है वो भी आरोपियों के घर तक पहुंच रही है, बाकायदा उनके परिवार वालों से भी इस वक्त पूछताछ की जा रही है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम ये समझाते हैं कि कैसे इस वक्त जो सुरक्षा भेदने वाले हैं उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। जींद हरियाणा यानी कि ये आरोपी नीलम जिसका घर वहां पर है, यहां पर दिल्ली पुलिस पहुंच जाती है और फिर नीलम पर संसद के बाहर प्रदर्शन करने का चूंकि बहुत संगीन आरोप लगा है और घर वालों से भी पूछताछ की जाती है। इसके अलावा आप देखिए उत्तर प्रदेश भी टीम पहुंचती है, जहां पर आरोपी सागर शर्मा के परिवार वालों से पूछताछ की जाती है। सागर शर्मा पर संसद में कलर स्प्रे करने का आरोप है, जिसके बाद वहां पर सनसनी फैल गई थी, दहशत मच गई थी। इसके अलावा आप देखिए लातूर जो कि महाराष्ट्र में है, आरोपी अमोल शिंदे के बैकग्राउंड की पड़ताल की जा रही है। यह भी जरूर जांचा जा रहा होगा कि कहीं और किसी मामले में तो वो आरोपी नहीं है। अमोल शिंदे पर संसद के बाहर प्रदर्शन करने का आरोप लगा है, यानी कि कुछ आरोपी बाहर और कुछ भीतर, लेकिन आरोपी सभी हैं और इसीलिए जांच पड़ताल को अब आगे बढ़ाया जा रहा है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा, यह भी साफ हो चुका है। इन सब के बीच में आपको यह भी बता दें कि लखनऊ में आरोपी सागर शर्मा के घर पर छानबीन के साथ साथ दिल्ली पुलिस की टीम ने उस दुकान की भी पड़ताल की है जहां से सागर शर्मा ने वो जूता खरीदा था जिसमें छिपाकर स्प्रे को संसद परिसर तक ले गया था। उस जूते को सागर शर्मा आलमबाग के जूते की दुकान से खरीद रहा था। जूते की दुकान के मालिक के बयान के मुताबिक सागर ने दो जोड़ी जूते खरीदे थे और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने जूते की दुकान के मालिक से कई सवाल किए हैं। और आपको यह भी बता दें कि जो वहां पर सीसीटीवी लगा हुआ है उससे भी खंगाला जा रहा है और वीडियो जो उसमें रिकॉर्ड हुआ है वो भी देखा गया है और दुकान में सीसीटीवी की डीवीआर को भी कब्जे में अब ले लिया है। दो तस्वीरें देखिए इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक तस्वीर में आप देखेंगे कि आरोपी सागर शर्मा का घर जहां पर है वहां पर पुलिस की टीम पहुंचती है और दूसरी तस्वीर इस दुकान से जूते खरीदे और वहां का सीसीटीवी खंगाला गया। दिल्ली पुलिस की टीम दिन में आई थी, 3 घंटे मेरे साथ रही है, उन्होंने पूरी तहकीकात करी है, फोटो दिखाई, हम कुछ पहचानते नहीं थे और उन्होंने उससे अपना बात करी, उसने बताया कि मैंने 600 रुपए की रेंज का जूता लिया है और लांसर कंपनी का है, तो मैंने जूता जो है बताया कि 699 की रेंज का है, वो 600 का बिकता है, तो वो बता रहे हैं 2 जोड़ी जूते उन्होंने लिए हैं। मैंने कहा बिल्कुल लिए होंगे, क्योंकि दुकान है मेरी, कस्टमर आता है लेके जाता है, 31 साल मेरी पुरानी दुकान है। और उन्होंने जो जो पूछा और 2 DVR वो उसके साथ ले जाएंगे। और अब इसी संसद सुरक्षा चूक मामले में एक और बहुत बड़ा अपडेट जो मिल रहा है वो आपको बता देते हैं। न्यूज 18 इंडिया आरोपी ललित झा के उस ठिकाने तक पहुंच गया है जहां पर वो फरार होने के दौरान छिपा हुआ था। दिल्ली से करीब 450 किलोमीटर दूर नागौर के कुचामन सिटी के पास
त्रिशंगिया गांव के इसी होटल में आरोपी ललित झा रुका हुआ था और इस होटल में उसके रुकने का इंतजाम उसके साथी महेश कुमावत ने कराया था। यहीं पर महेश और ललित ने मिलकर सभी आरोपियों के मोबाइल फोन आग के हवाले कर दिए थे और उस सबूत को नष्ट कर दिया था जो संसद की सुरक्षा सेंध मामले में मास्टरमाइंड तक पहुंचने का सबसे बड़ा जरिया बन सकता था। और ये तस्वीर आप देख लीजिए, इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया यहां पहुंच गया है और ये वही होटल है जहां ललित झा रुका हुआ था। पुलिस आई थी तभी मेरे को पता चला था भाई ये कहां कर गया है, मेरे को पता ही नहीं था। तब पता चला भाई ये कहां करते हैं, मेरे उसको एक कोई जानता हूँ, नाव से जानता हूँ और उसका होता होता कुछ भी नहीं जानता। किसको जानते हो? महेश, शायद महेश पहले कोरोना पहले आता था, उसको जानता हूँ और किसको नहीं जानता।